5 दिन के दीप उत्सव में दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली आती है, उसे रूप चौदस, नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विधान है। इस दिन शाम को दीप जलाए जाते हैं और चारों ओर रोशनी की जाती है। रूप चौदस के दिन तिल का भोजन और तेल मालिश उपतन से स्नान किया जाता है। चलिए जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। दरअसल नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए की जाती है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उनके आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। इस कारण हम नरक चतुर्दशी की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। रूप चतुर्दशी से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ नामक एक राज्य में योगी रहा करते थे। एक बार योगीराज ने प्रभु को पाने के लिए समाधि धारण करने का प्रयास किया। अपनी इस तपस्या के दौरान उन्हें अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ा। तभी विचरण करते हुए नारद जी उन योगी राज जी के पास आते हैं और उन योगीराज से उनके दुख का कारण पूछते हैं। योगीराज उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं प्रभु को पाने के लिए अपनी भक्ति में लीन रहा, परंतु मुझे इस कारण अनेक कष्ट हुए, ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने उनसे कहा कि हे योगीराज, तुमने मार्ग तो उचित अपनाया किंतु देह आचार का पालन नहीं जान पाए, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। नारद जी ने भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा, क्योंकि ऐसा करने से योगी का शरीर फिर से पहले जैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। फिर नारद जी के कथनों अनुसार योगी ने विष्णु जी का व्रत किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया, इसलिए इस दिन चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त पर घर में झाड़ू निकालना चाहिए, इससे आपके घर का दलिद्र दूर होता है। और इस दिन यम को दीपक भी लगाया जाता है अपने घर के पीछे या आसपास कहीं नाली के पास, इससे आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दखल परिवार की ओर से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।